बड़ा खिलाड़िया ना हूं तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहां है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहां नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। बजे मालेगांव के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस ऑफिसर हर्ष पुद्दार के पास मदद के लिए फोन आया। अली अकबर अस्पताल के पास आजाद नगर में एक भीड़ जमा हो गई थी, जो पांच लोगों के एक परिवार, दो पुरुषों, दो औरतों और एक दो साल के बच्चे को मारने के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि वो परिवार चाइल्ड लिफ्टर्स का ग्रुप है। मालेगांव से 40 मिनट की दूरी पर एक भीड़ के बच्चा चोरी की अफवाह की वजह से पांच लोगों के पीटे जाने के 12 घंटे बाद की बात है। रात पांच लोगों की जान बचाने वाले पूरे पुलिस फोर्स की समय पर कार्रवाई और इंटरवेंशन की कहानी है। मालेगांव में पिछले 8 से 9 दिनों से किडनैपिंग्स की अफवाहें आ रही थी। उस वक्त सेंट्रल महाराष्ट्र के परभणी जिले में रहने वाले सवे दिहाड़ी मजदूरों का एक परिवार अपने जिले लौट रहा था। पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने मालेगांव में रुकने का फैसला किया और भीख मांग रहे थे, और इसी बीच परिवार की एक 14 साल के लड़के से थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। हालांकि इस बातचीत के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है और ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन उस बातचीत के बेसिस पर इलाके के कुछ बदमाशों ने निष्कर्ष निकाला कि ये किडनैपर्स थे। मालेगांव में दो हिस्से होते हैं, जबकि वेस्टर्न साइड मुख्य रूप से हिंदू है और ईस्टर्न साइड मुस्लिम। दिहाड़ी मजदूरों का ये परिवार हिंदू था और वे मुस्लिम इलाके में ठहरे थे, जबकि इस घटना का कोई वैलिड रीजन दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन लोगों को पहले से ही उनके पहनावे के अंतर की वजह से बाहरी मान लिया गया था और बदमाशों ने बिना कुछ सोचे समझे ही उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मदद के लिए फोन किया तो आईपीएस हर्ष ने तुरंत लोकल पुलिस को वहां पर जाने के लिए कहा। करीब 10 मिनट के इस दौरान भीड़ करीब 1500 लोगों तक पहुंच गई, लेकिन केवल 4 सदस्यों के साथ पहुंची टीम ने पोद्दार से और फोर्स के लिए रिक्वेस्ट की। बिना समय बर्बाद किए एडिशनल एसपी ने लोकल डीएसपी के साथ एक रायट कंट्रोल पलटन भी भेजी। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने परिवार को जान से मारने के लिए कहा। ऑफिसर्स ने तुरंत परिवार को दो घरों में उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचा दिया, लेकिन भीड़ उनसे परिवार को रिहा करने के लिए कहती रही ताकि भीड़ न्याय यानी कि मॉब जस्टिस दिया जा सके। आईपीएस ऑफिसर ने इमाम जैसे लोकल रिलीजियस लीडर से भी भीड़ को शांत करने की रिक्वेस्ट की, फिर भी कोई राहत की खबर नहीं मिली। भीड़ ने सुनने से इनकार कर दिया और नेताओं और पुलिस पर पत्थरों की जबरदस्त बारिश की गई। 1500 की भीड़ के खिलाफ ये 50 की पुलिस फोर्स थी जो उन्हें उन घरों में घुसने से रोकने की कोशिश कर रही थी जिसमें इस परिवार को रखा गया था, और इसलिए आईपीएस ऑफिसर ने खुद स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि एसआरपीएफ के 4 सेक्शन और एक और राइट कंट्रोल पलटन के साथ उस एरिया में जाने का सोचा। पुलिस ने भीड़ पर कंट्रोल फोर्स यूज करना शुरू कर दिया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे उन्हें भीड़ को पड़ोसी गलियों में धकेलने में मदद मिली। दो गाड़ियां लाई गई और परिवार को बचा लिया गया और टाउन के सबसे दूर के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया। आईपीएस ऑफिसर के पहुंचने से पहले ही भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को भी पलट दिया था, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं आई और सिचुएशन को उस पॉइंट तक नहीं पहुंचने दिया जहां पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ती, इसलिए भीड़ में किसी को चोट नहीं आई। परिवार के पुरुषों में से एक को चोट लग गई, लेकिन बाकी सदस्य बिना किसी सीरियस चोट के बच गए। पूरा ऑपरेशन 3 घंटे का था। लगभग 2:30 बजे ही पुलिस उस एरिया से बाहर निकल पाई। आईपीएस ऑफिसर का कहना है इन सभी मामलों में लोग सोचने समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया कि परिवार ने 14 साल के लड़के को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी एक बार भी बेसिक फैक्ट्स चेक करने की कोशिश नहीं की और ना ही वो इस बात से शांत हुए कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पुलिस इस मामले की जांच करेगी। आईपीएस हर्ष का मानना है कि इनमें से कई अफवाहें बदमाशों द्वारा खुद ही उकसाई जाती है, जो सिर्फ हिंसा के पागलपन में खोना चाहते हैं। ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों दबंग 4 में भी, तभी तो मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दोस्तों। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब कीजिए कॉल गैप स्टूडियोज। नमस्कार।